गाइस गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करने वाले हैं अपनी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी जो कि बैंक निफ्टी के अंदर में स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए मैंने बनाई है। आप इसे निफ्टी में भी यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो अपनी टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड कर लेना। इसमें आपको चार्ट देखने की एक बार भी जरूरत सिर्फ एक बार जरूरत पड़ेगी लेकिन उसके अलावा और फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे दिन में। आपको ट्रेड कब करना है, ये ट्रेड करना है आपको सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में ट्रेड करने के लिए आपको पता है कि सेकेंड हाफ के अंदर में आपकी वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए क्यों बढ़ जाती है उसके लिए अलग अलग रीजन है, वो कभी और मैं वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो हो सकता है लंबा हो तो पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट थी मेरे से कि सर 500 रुपये 1000 रुपये की स्ट्रैटेजी क्या उसने ज्यादा ही दे दिया या उससे कम दे दिया पैसा, तो ये प्लीज उस चीज के लेकर के आप मुझे आप बता दीजिएगा। अगर आप बता देंगे तो सो दैट मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि मैं इसको और भी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी आपके साथ मिला सकता हूँ। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 24 आवर ही आपके पास में ऑनलाइन रहेगी, उसके बाद में ये स्ट्रैटेजी मेंबर्स वालों के लिए डाल दी जाएगी। तो प्लीज़ मैं फ्री में डाल रहा हूँ, बाद में अगर कोई बंदा बोला मेरे को कि रवि भाई आपने मेंबर्स के लिए डाल दिया फ्री में कुछ नहीं डाल रहे हो, मैं आगे से बोल चुका हूँ। बाकी इसे रिवाइज करना हो कर लेना, डाउनलोड करना हो डाउनलोड करके रख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चीजों को सीख लो तो और भी। सबसे पहले इस चीज को ध्यान से समझना वीडियो को कि एग्जैक्टली हम करने क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो चल रही है। सबसे पहले आपको दो चीजें ऐड करनी है, जैसे आपको पता है कि मैं कभी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ तो सेम एग्जैक्ट मैं इसमें भी इंडिकेटर यूज नहीं करता, बट हाँ इसके लिए मैं एक चीज यूज जरूर करूंगा चार्ट में। आप लोगों को नहीं पता कि आपका यूरोपियन मार्केट या सेकेंड हाफ कब ओपन होता है, आपको उसे जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70 टू 80% है। मतलब आपको डेली का 500-1000 रुपए तो आप मतलब 20 से 80 पॉइंट्स कहीं नहीं गए डेली के डेली में। रिस्क की बात करें तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं जिसमें रिस्क ना, तो हाँ ये भी एक रिस्क है, फैक्टर है। इसमें आपको हो सकता है 4 या 5 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको लॉस हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल से 500-1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, एटलीस्ट आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। इसमें जितने भी आप ट्रेड करेंगे, रुको, ट्रेड करने के पहले स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है वो भी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा सा काम, आपको सबसे पहले अपने इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है। मैं कभी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ बट इसके लिए आपको दो बेसिकली आप स्टडीज को यूज करेंगे इंडिकेटर्स में। सबसे पहले जो स्टडी आप यूज करेंगे दैट इज सेशंस। सेशन का मतलब क्या, बेसिकली और सेशन यूज करेंगे JRFX Edict। ये सेशन बेसिकली वो आपको बताएगा जो मार्केट के आपके सेशन, आप ध्यान देखिए यहाँ एशियन सेशंस, लंदन सेशंस, न्यूयॉर्क सेशंस, हमारे को न्यूयॉर्क से कोई मतलब नहीं है और एशियन सेशन से मतलब नहीं, हमें लंदन सेशन से मतलब है, जिससे आपको पता चल पाए कि आपका सेकेंड हाफ कब स्टार्ट हो रहा है। ये मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ कि सेकेंड हाफ कब स्टार्ट हो रहा है। जनरली आप देखेंगे गर्मियों का टाइम अलग था, सर्दियों का अलग टाइम होता है, तो सभी चीजों का ना अलग अलग टाइमिंग होता है एशियन सेशंस का, हर एक का मतलब आप ये मान के चलिए। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है कि हमारे को ये जो ट्रेड लेना है आप मान सकते हो, ग्रीन जोन को ट्रेड नहीं लेना है, मॉर्निंग सेशन को आप हमेशा छोड़ दीजिए। मैं इसे जनरली पर्सनली यूज करता हूँ, टोटली मैं पर्सनली यूज करता हूँ। अगर किसी को शक हो तो कल है मंडे आप मेरे साथ बैठ करके सेम ट्रेड मेरे साथ ले लेना, मैं तुम्हारे सामने लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीम में ऑर्डर भी डाल दूंगा, तुम ले लेना। तुम्हें लगे लॉस हो जाएगा हम लॉस ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उस लॉस को उसी टाइम हम रिकवरी भी करेंगे। तो ये लगना चाहिए कि स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में काम करती नहीं करती। देखो मैं तुम्हें पीएनएल स्टेटमेंट दिखा दूं या ट्रेड ऑर्डर्स दिखा दूं, तुम बिलीव नहीं करोगे। कम से कम जब तो बिलीव करोगे, जैसे मैंने अपनी लास्ट टाइम 5% स्ट्रैटेजी दिखाई थी, उस 5% स्ट्रेटजी के बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा उसकी विनिंग स्ट्रीक इतनी खतरनाक है कि अभी तक 4 वीक हो गए उस वीडियो को दिए, अभी तक एक भी ऐसा वीक नहीं आया जो बंदा मुझे ये कह पाए कि उसमें लॉस हो। ऑप्शन सेलिंग का था, हमने एडजस्टमेंट अच्छी करी, अभी ऑप्शन बाइंग की है, थोड़ी सोच समझ के तो हमें करनी। चलो अभी ध्यान से, हमारे को जो ट्रेड करना है हमें ट्रेड करना है इस वाइट जोन में। वाइट जोन का मतलब है योर लंदन सेशंस, क्या ये लंडन सेशन। अब अगर ये लंडन सेशन है तो उसका मतलब है कि बेसिकली मार्केट इस टाइम पे यूरोपियन मार्केट ओपन हो रहा है। अगर आप एक चीज थोड़ी सी नजर डालेंगे ना तो आपको समझ में कुछ चीजें आएंगी। मार्केट इस वाइट सेशन में ना बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, और मेरे ख्याल से इतना समझदार आप भी हैं और मैं भी हूँ कि मार्केट हमारे को ऑप्शन बाइंग के अंदर में
चार्ट को एक बार देखना है, जैसे मैंने थंबनेल में कहा चार्ट देखना ही नहीं, बट हाँ एक बार तो देखना पड़ेगा आपको अपने एंट्री लेने के लिए। एंट्री लेने के लिए आपको जस्ट एक बार देखना है और काम खत्म, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको देखना है मोमेंटम किस साइड है। देखो आप कॉल और पुट तो आप आंख बंद करके भी बाय कर लोगे, क्या बाय करना है, बट कॉल पुट बाय करना दूसरी बात है। पहले ये तो जान लो मार्केट जाएगा कहाँ, फिर तो कहाँ दूसरी बात है ना कि कॉल लेना है पुट लेना है। तो वैसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कॉल लेना है या पुट लेना है। उससे पहले आपको सबसे या आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, बट ये स्पेसिफिकली मैंने ऑप्शन बाइंग के लिए बनाई है। काफी लोगों ने मुझे बोला कि रवि भाई बाइंग बाइंग के लिए बना दो कभी कभार, तो बाइंग के लिए। अभी मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूँ तुम्हें ट्रेड कब करना है, एग्जैक्टली ट्रेड कब करना है, ठीक है। अभी आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है बैंक निफ्टी का, इट्स वेरी सिंपल। जस्ट कम टू मैं भी एकदम 1 जनवरी 2022 से लेके चलता हूँ। आपका ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट होगा ध्यान रखो अभी, ठीक है ना। मैं एक रेंडम डेट उठाया, आप चाहोगे तो कोई और डेट उठा ले, आपको रेंडम डेट उठा। अभी 1 तारीख को ट्रेडिंग नहीं हुई थी, 3 तारीख को डायरेक्ट ट्रेडिंग हुई थी। आपको पहले सेशन से कोई मतलब नहीं, एशियन सेशन से कोई मतलब नहीं। एशियन सेशन में क्या होता है, आपको मतलब है आपका आपका यूरोपियन मार्केट से। अब यूरोपियन मार्केट की जो पहली कैंडल व्हाइट जोन में क्लोज होगी उसका हाई मार्क कर लो, एंड देन लो मार्क कर, जस्ट लो मार्क कर, ठीक है। जैसे आप लो मार्क करेंगे, लो मार्क करते ही जैसे आपने जस्ट थोड़ा एग्जैक्ट एग्जैक्ट रख लीजिएगा प्लीज। लो मार्क करने के बाद में जब ये 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर जाएगा, इट्स नॉट जाएगा कि ले लो गया तो ले लो, जाएगा और लगभग यू कैन से दैट लगभग इसके ऊपर 5 मिनट या 7.5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए। सर समझ में नहीं आया 7.5 मतलब, जैसे मैं आपको प्रीवियस डे दिखाता हूँ फ्राइडे का था, जब आपको समझ में आएगा। जैसे हम इधर आ जाते हैं, हमारे को व्हाइट सेशन में जो सबसे पहली कैंडल है उस कैंडल का हाई मार्क कर लिया और मैंने लो मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, जस्ट कम इनटू 5 मिनट टाइम। अब आपके आसपास 5 मिनट टाइम फ्रेम भाग गया। 5 मिनट टाइम फ्रेम के बाद में जब भी पहली कैंडल इसके नीचे क्लोज करने स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप इस कैंडल को देखेंगे मार्केट में क्लोज हुई क्लोज हुई क्लोज हुई क्लोज हुई यहाँ तक क्लोज, ये कितनी मिनट होगी, 5 मिनट कंप्लीट हो गया। 5 मिनट की पहली कैंडल क्लोज होने के बाद में आपको नेक्स्ट 5 मिनट का जब भी नेक्स्ट 5 मिनट होंगे, आई रिपीट जब भी नेक्स्ट 5 मिनट होंगे आपके पास में, उसका ढाई ढाई मिनट का कैंडल लगभग लगभग लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए, राइट। तो आपको ट्रेड कब लेना है, लगभग आपका जो भी प्राइस उस टाइम चल रहा होगा, वी कैन से दैट आपका ऑलमोस्ट मोटा मोटा या 3 मिनट का ले लो कैंडल, आप 5 की जगह 3 ले लो। अभी पहला कैंडल आपका क्लोज हुआ 1 2 3 6 मिनट्स और लास्ट में यही डोजी कैंडल आएगा, इसी कैंडल पे आपको ट्रेड डालना है, एसएल रखना है इसी कैंडल के हाई पे, इट्स वेरी सिंपल। एंड टारगेट आप कितना लेना चाहते हो, 1:4 1:5 1:6 नो, आपको यूज करना है एक इंडिकेटर, दिस इज माय फेवरेट इंडिकेटर, दैट इज एसएल, और मैं इसे सिर्फ ट्रेलिंग करने के लिए यूज करता हूँ। सबसे पहले आप 1:1 की तरफ जाएंगे, 1:1 मिलने के बाद आफ्टर 1:1 आप ट्रेल करेंगे जब तक मार्केट बाहर क्लोज नहीं करता, जैसे इसने यहाँ क्लोज किया, बट आपको अगर ट्रेल करते हुए चलते तो आपका ट्रेल 15 मिनट में करना है, ये डिपेंड अपॉन यू, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप बताएंगे। अगर आप 15 मिनट के लिए ट्रेल करेंगे तो आपको पूरा मार्केट आपका है, दिस इज योर फुल मार्केट। याद रखना मैं इस ट्रेड को 1:1 के बाद में ऐसे में यूज करूंगा, उससे पहले यूज नहीं करूंगा। तो आई होप आपको एंट्री समझ में आ गया होगा, ये तो सेल साइड का एंट्री है। अभी आपको शॉक नहीं होना चाहिए, अगर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये काम कर रहा है तो 1 जनवरी 2022 को भी काम करता होगा, और इनफैक्ट उससे पहले भी काम करता होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। पहली कैंडल, अब लगभग पहली कैंडल के बाद में हम मान लेते हैं कि 5, क्योंकि इतना पीछे ना 5 मिनट का कैंडल जा नहीं रहा, दैट इज द रीजन। मैं देखो अगर मैं 5 मिनट का कैंडल लगाता हूँ, जस्ट 5 मिनट कैंडल शायद चला जाए तो और भी अच्छी बात है, अगर 5 मिनट का कैंडल यूज करता हूँ तो मेरे पास में 21 फरवरी तक का ही डेटा है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं 21 फरवरी से बाद में दिखा दूंगा, बाकी मैं एक बड़ा लंबा आपको ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। जस्ट अभी आप देखेंगे इसका कैंडल, इसका हाई लो मार्क कर लिया, जस्ट मान लो आपने यहाँ इस बीच में कहीं कैंडल ट्रेड लिया, इस कैंडल के लो पे आपने एसएल रखा, जस्ट लो योर एसएल, टारगेट ऑलवेज 1:1, पहले 1:1 ले लो, बाद में 1:3 1:4 लेना। रिस्क रिवॉर्ड से मतलब नहीं है मेरे को, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो छोड़ो, इसकी 90% एक्यूरेसी नहीं है, 80% एक्यूरेसी है। अगर 80 बार भी हिट होता तो कोई टेंशन नहीं है, आप ट्रेल भी करते तो जस्ट पूरा दिन भी आप ट्रेल कर सकते थे इस पूरे ट्रेड को, तो 400 रुपये मिल रहे हैं, ट्रेलिंग भी करोगे, ठीक है।
द नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज फर्स्ट कैंडल, सबसे पहले एंट्री एसएमए से कुछ मतलब मत रखना, ट्रेड आपका यहाँ बना, जस्ट सिंपली आपने यहाँ ट्रेड लिया, जस्ट फर्स्ट कैंडल क्लोज बाहर हुई, उसका लो मार्क करके थोड़ा सा मान लो यहाँ क्लोज हुआ, ट्रेड आपको यहाँ लेना। आई रिपीट, याद रखना 1:1 पूरा होने के बाद में कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिएगा, कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिएगा। मान लो आपका ट्रेड तो वैसे एग्जैक्ट होना चाहिए इधर, राइट। आप मान लो अगर आपने 1:1 अगर तो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, जैसे कि 1:1 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जैसे आपने 1:1 कंप्लीट किया है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ट्रेल कितना करना चाहते हैं। ट्रेलिंग मैं नहीं बता सकता, ट्रेलिंग डिपेंड अपॉन एसएमए आप यूज करके चल सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम। मैं जनरली 1:1 के बाद में यहाँ दो क्वांटिटी लेता हूँ, 1:1 के पहले तो 1:1 लूंगा, लेने के बाद एक क्वांटिटी निकाल दूंगा, एक क्वांटिटी की जब तक ट्रेल करूंगा जब तक एसएमए के ऊपर नहीं आता या नीचे नहीं जाता। दिस इज द सेम कैंडल, ये तो साफ साफ कैंडल है, आपको यही ट्रेड मिल जाएगा समवेयर इसके बीच में। आपको अपना एसएल यहाँ रखना है, टारगेट आपका 100 पॉइंट का ही रहेगा, तो लगभग आपको 1:2, 1:3 मिल रहा है। अब देख सकते हो मैं कोई चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहा, जो आपके कैंडल बना है उसी हिसाब से ट्रेड कर। अब अगला ही ट्रेड बना, अब यहाँ देखो आपने हाई मार्क कर लिया, जस्ट हाई मार्क कर लिया, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, और लो मार्क कर लिया। अब देखो इसने लो तो ब्रेक नहीं किया, अगर आप इसे थोड़ा सा भी अगर चेक करना चाहे तो इसने लो ब्रेक ही नहीं किया, मैं दोबारा इतना बारीकी से दिखाता हूँ, लो इसने ब्रेक ही नहीं किया। अगर लो ब्रेक नहीं किया तो उसका मतलब क्या है कि हम इसे वेट करेंगे जहां ब्रेकआउट करेगा। इसे ब्रेक किया, ब्रेक करके समवेयर इसने कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जस्ट टेक दिस ट्रेड, कभी कभी एसएल बड़ा आ सकता है, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी। 127 टारगेट विल बी 1:2, 1:3, डिपेंड अपॉन यू गाइस। देखो मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, मैं आगे से बोल देता हूँ, ये एक सेशन है, सेशन से आपको ये पता चलेगा कि यूरोपियन मार्केट कब ऊपर होता है। अभी आप देखिए, राइट, ओके, अभी आप देखिए यहाँ देखेंगे तो आपका एक ग्रीन कैंडल है। अभी ग्रीन कैंडल समवेयर मान के चलो आपकी एंट्री यहाँ हो जाएगी, अब मोटा मोटा मान लो इस बीच में कहीं आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, और आपका एसएल यहाँ आ जाएगा। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि ट्राई करो 1:1 लेने का, दो क्वांटिटी लेकर के एक क्वांटिटी को आप ट्रेल करो जब तक एसएमए के ऊपर नहीं आ रहा, और एक क्वांटिटी जब तक वेट करो जब तक 1:2 नहीं होता। तो 1:2 आपका ये लगा लो, सॉरी 1:1 नहीं होता, 1:1 मिल रहा है तो इट्स हैप्पी फॉर यू गाइस, ठीक है ना। ये देखो 1:1 तो आपको मरते दम पे देखे जाएगा, यहाँ हुआ मान लो समवेयर आपकी एंट्री यहाँ हुई, एसएल आपका यहाँ रखा, टारगेट आपका ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए आपका, ठीक है, एसएमए के जब तक नीचे नहीं आया जब तक मैंने होल्ड किया 200 पॉइंट, फिर मार्केट इधर आया। अब मान लेते हैं मोटा मोटा आपका लेटेड भी द फर्स्ट टाइम, हर स्ट्रेटेजी इतनी खतरनाक नहीं हो सकती कि आपको प्रॉफिट ही हो। मान लो आपकी एंट्री यहाँ हो गई, आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया, नाउ व्हाट, क्या स्टॉप लॉस सेट रहने के बाद में क्या हम क्या करें सर? अगर स्टॉप लॉस सेट हो जाता है इन केस, तो आपको कुछ नहीं करना, जो कैंडल आपका स्टॉप लॉस खा के जा रहा है, रिपीट, जब भी आप ट्रेड निकालें जब आपकी कैंडल का ऊपर कोई भी 7.5 मिनट या 10 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा आपके हाई या लो के नीचे, अगर हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, ट्रेड एंट्री की नहीं, आपने यहाँ ट्रेड लिया, अगर मान लो क्लोज कर गया, क्लोज करके आपने एग्जिट कर, अब जिस कैंडल पे आप कैसे रेट बने, इसी कैंडल पे बाय करके उसी कैंडल का छोटा सा एसएल रख करके इतने तक होल्ड करना जितना आपका लॉस हुआ है। इसमें लॉस हुआ है 84 पॉइंट्स का, जस्ट बुक योर 84-85 पॉइंट्स एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। आप इसमें काउंटर ट्रेड लेकर के भी अपने एग्जिट कर सकते हैं। सी दिस ट्रेड आपका ना हाई टूटा ना लो टूटा, ना हाई टूटा ना लो टूटा, मार्केट वेट किया वेट किया वेट किया, समवेयर इस कैंडल पे आपको लगभग यहाँ कैंडल होगा आपका एसएल इसके हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर, और टारगेट मेनली मैंने बताया 1:1 आपको मिल जाए। देखो 1:1 तो बहुत आराम से दे देता है, मान लो 1:1 नहीं मिलता तो आप कॉस्ट पे भी निकल सकते, देखो आप कॉस्ट पे निकले आखिर में। दिस स्ट्रैटेजी इज हाईली रिमार्केबल, मैं क्यू सेकेंड हाफ में ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अपनी एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। 1:3, 1:4, मतलब 100-250 पॉइंट तो आप ये लगा के चलो, ये बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे। आपको एक कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद में जस्ट ओपन क्लोज हुआ, यहाँ आपको बाई करना है, जस्ट टेक एसएल दिस, और एसएमए जब तक नीचे नहीं आ रहा जब तक आप होल्ड कर सकते हो 200 पॉइंट्स, राइट। अब आते हैं वो केस जब मार्केट में एक बहुत ज्यादा ही वॉलेटिलिटी और इस तरीके का केस रहता है, कभी कभार आपको लॉस हो सकता है, बट देखो यार लॉस इसमें कितना है आपको ही पता है, यहाँ कहीं ना कहीं कैंडल क्लोज हुई। मेरा देखो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो पहले प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना भाई प्रैक्टिस करने वाले कितने, अगर कोई फालतू में, अगर देखो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी इतना, मैं पागल नहीं हूँ जो आप लोगों को मैं इतनी आसानी से इतनी महंगी स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ,
ये स्ट्रेटेजी बहुत ही खतरनाक है, अगर कहीं मिल जाए तो चैनल का नाम बता देना भाई तुमने उधर से कॉपी पेस्ट मारी। पहली बात तो आधे लोगों को पता नहीं होगा सेशन का मतलब क्या है, और मैंने कोई तुक्का नहीं मारा है, कुछ नहीं है, यहीं से मैं ट्रेड देता हूँ, यही मेरे लॉजिक है ट्रेड देने के। मैंने कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाया हुआ कि इधर से मार्केट इधर ही जाएगा, इधर से इधर ही, वो डिपेंड अलग होता है कि मैं कहाँ ट्रेड कर रहा हूँ कहाँ नहीं। ये मैंने आपको बता दिया सेफ रहने का तरीका, 1:1 मिल रहा है, इट्स अ गो, लाइक बहुत इजीली आपको आराम से ट्रेड मिल रहा है। अब यहाँ देखिए आपका पहला है, यहाँ आपको ट्रेड बनेगा लगभग, इधर आपका लॉस हो जाएगा, टेक योर लॉस, डोंट वरी अबाउट लाइक यार लॉस हो गया, अरे यार लॉस हो गया क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, पैनिक में मत आओ, जस्ट रिवर्स एंट्री लो, जिस कैंडल पे ट्रेड डाला उसी कैंडल का एसएल डालो और जितना लॉस हुआ है पहले से रिकवर करके मार्केट से क्लोज कर दो, और मार्क माय वर्ड 90% ऑफ द चांस इस स्ट्रेटेजी का इतना कमाल है, इतना कमाल है, अगर मैं स्ट्रेटेजी को गिन भी लू ना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ट्रेड के अंदर में 14 ट्रेड के अंदर में 2 SL 4 टारगेट। अभी आप ये वाला ट्रेंड देखो, ये पूरा पूरा ट्रेंड आपका है, सी दिस इज अ फुल ट्रेंड ऑफ योर्स, फुल ट्रेंड। ये देखिए इसके नीचे मान लो तुम्हारा क्लोज हो भी जाता है, इन केस अगर मान लो तुमने यहाँ ट्रेड ले भी लिया गलती से तुम फंस भी गए, टेंशन मत लो, इसका जो कैंडल हाई तोड़ करके क्लोज करेगा उसी कैंडल का ट्रेड लेकर के उसी का एसएल रख करके टारगेट आप उतना रखे, पहले अपना लॉस बुक कर ले, यहाँ गए आपने मान लो यहाँ हिट हो गया तो रिवर्स एंट्री लो, डोंट वरी यार आप इसकी मत टेंशन मत लो, अरे रवि भाई हमारा लॉस हो गया समझ नहीं आ रहा, एक शॉट यहाँ देखो ना कितना बड़ा रैली आपको खाने को मिला है, दिस इज ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स राइट, यहाँ से मार्केट ऊपर गया क्लोज नीचे दिया, क्लोज नीचे दिया आपने ट्रेड किया आपका 70 पॉइंट चला गया, ठीक है कोई टेंशन नहीं 70 पॉइंट गया, उसी कैनल के ऊपर ट्रेड लेकर के आप एंड तक 80 पॉइंट्स का बुक करके चलते, यहाँ आपका यहाँ ओपनिंग हुआ लगभग, यहाँ ओपनिंग हुआ या तो आपको 1:1 से भी ज्यादा लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया, यहाँ आपको क्या बोलते हैं लगभग आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मान लो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपने रिवर्स एंट्री ली, दोबारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लीव फॉर द डे, दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए बहुत है। यहाँ से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे को कि भैया क्या मैं 500 रुपए डेली एटलीस्ट 500 तो कमा सकता हूँ, 400 एटलीस्ट 500 रुपए कमा सकता हूँ, नहीं कमा सकता पहली बार, अगर 500 रुपए भी कमा लो ये देखो 250 पॉइंट राइट, 250 पॉइंट तो भाई दो ही कैंडल में मिल रहा है मार्केट में, या एंट्री एग्जीक्यूट हुई या मेरा एसएल खा गया 126 पॉइंट, टेंशन मत लो, जिस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया अगर दो बार एसएल हिट हो जाए कोई प्रॉब्लम, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, डोंट वरी, या मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ इस कैंडल पे लगभग इसके इधर और लगभग 200 पॉइंट के, अरे 200 पॉइंट में कम से कम 40-50 पॉइंट तो मिलेंगे तुम्हें, यहाँ से तुम्हारा एसेलेट हो गया इस कैनल पे, जिस कैनल पे तुम्हारा एसेलेट हो उसी कैनल पे ट्रेड लेना है और ट्रेड लेते जब तक बैठना है जब तक आपका लॉस रिकवर, लॉस रिकवर हो जाए तो प्लीज एग्जिट योर द डे, ठीक है आपने कुछ नहीं कमाया, यहाँ से आ गए इस कैनल पे लिया और यहाँ से कम 900 पॉइंट। अब इसकी एक्यूरेसी आपको लगेगा कि मैं सिर्फ तुक्का मार रहा हूँ, एक बार जैसे मैंने बताया उस तरीके से लगा के देखो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस कैनल इस ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है वो कितनी 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 खतरनाक, इट्स 300 पॉइंट्स, इसकी एक्यूरेसी बहुत खतरनाक है, मैं तो सिर्फ 80-70 बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसे जनरली उतना यूज करता हूँ जितना मेरे काम की, यहाँ आ गया इसका हाई मार्क कर दिया, इसके हाई के ऊपर कोई भी ऐसी सिंगल कैंडल नहीं है जिसे 10:30 तक भी क्लोजिंग दिया, बट हाँ इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, मेरा एसएल इसी कैंडल का आएगा 148 पॉइंट्स का, उसके बाद मार्केट ने पूरे 300 पॉइंट दिए, आपको सिर्फ अपने आप को ना संभाल के बैठ कर रखना है कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा उससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट देखो यहाँ 100 पॉइंट्स मिल रहे पर 100 पॉइंट्स आप नहीं ले पाए, मान लो लेट अस सपोज आप पैसे लेट हो गए, जिस कैनल पैसे लेट हो फिर रिवर्स एंट्री ले लो, ये वॉर वाला दिन सब जानते हैं इस दिन, यहाँ से पूरे के पूरे 1000 पॉइंट आपको मिले, ये वाला है आपका ऐसे लेट हो जाएगा, ठीक है ले बैठे, और इस ट्रेड को ना जनरली किसी भी दिन को यूज करो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जनरली प्रीवियस कोई भी दिन उठा लो, आई रिपीट कोई भी दिन उठा लो, कल का दिन आपने उठा लिया आप इस दिन को उठा लो ना, इस दिन को उठा लो, ये आया 1 जून का, 1 जून के आते मार्केट लेंगे 300 पॉइंट्स, मैंने ये नहीं बोला यार कि आप पूरा दिन बैठो, आई एम नॉट सेइंग, ये देखो यहाँ से 12 बजे कैंडल यहाँ से सीधा मार्केट 400, ये देखो आपको लगेगा ये तुक्का है, भैया तुक्का नहीं है रियालिटी है मार्केट, यहाँ से कम कितना 150 पॉइंट, यहाँ से देख लो यहाँ से देखो कितना पॉइंट 150 पॉइंट, यहाँ से देख लो तो मैं ऐसा लगेगा कि मजाक हो रहा है सपना देख रहे हो, ये वो सपना नहीं जो टूट जाएगा 600 पॉइंट राइट, ये वो सपना नहीं है जो टूट टूट जाएगा, कर लो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली
लगभग 200 पॉइंट, मतलब हंसते हंसते 200-250 पॉइंट देना तो उसकी आदत है भाई, इस चैनल की आदत है। यहाँ लो है, यहाँ हाई, मान लो यहाँ हाई हो गया, फिर ऐसे लेट हो गया, मान लो लेट अस सपोज मेरा ऐसे लेट हो गया, डोंट वरी, टेक अ रिवर्स एंट्री एंड रिकवर योर लॉस, रिकवर कर लो लॉस, लॉस रिकवर होने के बाद में टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ लॉस ये हुआ, ट्रेड ये रहा, अब का यहाँ ऐसे लागे 140 पॉइंट, निकाल दी। आपको हमेशा 10:30 मिनट तक की कैनल को ऊपर क्लोज होने देना है, उसके बाद निकाल दो, पूरी 15 मिनट, उसके बाद देखो ना 500 पॉइंट्स। ये साइकोलॉजी का गेम है, आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत मजेदार लगी होगी। मैंने स्ट्रेटेजी पे 20 मिनट्स आपको समझाने की कोशिश किया, ये स्ट्रेटेजी सर स्टॉक पे भी काम करती है। चलो तुम्हारे लिए मैं एक SBI या कोई भी स्टॉक उठा लेते, क्या उस पर भी काम करेगी? द आंसर इज हाईली यस, बट इसके अंदर ऑप्शन में मत जाना, ये सिर्फ स्टॉक के लिए काम करेगी अगर करना चाहो तो। बट स्टॉक में जो इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन आते हैं ना ब्रदर, इस फ्लक्चुएशन से आपको डरना पड़ेगा, और इसमें आप फिर अपनी क्वांटिटी कितनी रखोगे वी डोंट नो। ऑप्शन में तो चलो कम से कम आपके उसमें 25 के ही शेयर होंगे बैंक निफ्टी में, उसको तो तुम एडजस्ट भी कर पाओगे, पर निफ्टी में कर पाओगे क्या? देखो मैंने बर्डन तुम्हारा बहुत बढ़ा दिया है, अभी तुम्हारे को डिसाइड करना है कि स्ट्रैटेजी कैसी। मार्क माय वर्ड, इस स्ट्रैटेजी में तुम्हें चार्ट एक कैंडल का देखना, उसको हाई लो मार्क कर लो, जस्ट वेट एंड वेट 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 वेट, और एक ट्रेड आ गया ले लो ट्रेड, किसे टेंशन लेनी है? टेंशन मत लो, तुम्हारे को लॉस नहीं होगा। अब कल 12 से 1 बजे के बीच का जो भी कैंडल होगा मैं आपके सामने और आपके साथ बैठूंगा और आपको दिखाऊंगा। अगर कल लॉस होता है लॉस भी लेंगे साथ में भाई, दोनों भाई, और प्रॉफिट होगा प्रॉफिट भी लेंगे, टेंशन मत लो। अब ट्रेड किस में लेना है? एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन, या आउट द मनी? माय क्वेश्चन इज आउट द मनी को अवॉइड करना भाई प्लीज, फ्राइडे को और मंडे को एट द मनी में ट्रेड करो, और बाकी ट्यूजडे और वेनेसडे और थर्सडे को इन द मनी में ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ ना डीके कम नहीं कम होगा फ्राइडे मंडे को, बट इन द मनी में आपको 3 दिन लगातार आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, मैं आगे से बोल का लॉस जो है वो तकरीबन आपका 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में लॉस है, तो लगभग टारगेट की बात करूं तो 1500 से 2000 रुपए का डेली का टारगेट है। मान लो मोटा मोटा 4 दिन भी अगर ऐसे चला जाता तो 1000 रुपए चला, 4000 रुपए चला, 2 दिन भी ट्रेड बन गया तो 2000 रुपए, और बाकी देखो इसकी एक्यूरेसी में जब तक नहीं बता सकता, चलो चार्ट बंद है, चार्ट तो ओवर है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, चार्ट जब चल रहा हूँ ना, जब मेरे कहने पे ना होमवर्क, जो बंदा होमवर्क करके लेकर के आएगा तो मुझे, मैं बता देता हूँ, जैसे 5% की स्ट्रैटेजी पे एक मेरे भाई ने लिखा है कि भाई वो स्ट्रैटेजी इतनी नंबर की है, सब पूछो इतना मार्केट गिरा, इवन दो मार्केट इतना 750 मार्केट गिरने के बाद में ऑप्शन सेलिंग वालों के तो मतलब हालत खराब हो जाती है, और आपकी स्ट्रैटेजी में 750 पॉइंट गिरने के बाद में भी मैं फिर भी 2000 के प्रॉफिट में, अगर जिसने ये चीज लिखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल पिन दैट मैसेज। ओके, नंबर 2, कोई भी स्ट्रैटेजी लिया हो कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपका प्रैक्टिस आज से स्टार्ट होता है, पहले बैक टेस्ट कर लो, फिर मेरे साथ में लाइव मार्केट में देख लेना, मैं आइडेंटिफाई करवा दूंगा कौन सी कैंडल ठीक बनेगी कौन सी नहीं, सो देट आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आई होप मेरे सारे प्यारे भाइयों को और सारी बहनों को ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और किसी की हेल्प हो जाए तो स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हो। आई रिपीट, ये 24 आवर तक ही स्ट्रैटेजी मेरी लाइव मेरे यूट्यूब पे रहेगा, आफ्टर दैट दिस स्ट्रैटेजी विल बी ऑन मेंबर वीडियो, और मैं बता देता हूँ मेंबर वीडियो वालों तुम्हारे को एक और स्ट्रैटेजी अलग से डालूंगा, प्लीज आगे से रिक्वेस्ट कर देता हूँ जितने भी लोग हैं मेंबर वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल्स में ना डालें। ऑलरेडी मैं इतनी चैनल्स देख चुका हूँ जिन्होंने मेरी खुद की स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करके डाल रखा है, और उसको तुमने ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर रखा, क्यों नहीं कर रखा तुम्हें खुद नहीं पता कैसे यूज करते, तो प्लीज वो काम मत करो जो काम करने का नहीं, जो नहीं आता उस काम को मत करो। तो वैसे ही ये स्ट्रैटेजी कोई भी यूट्यूबर देख रहा हो, कोई भी बंदा, तो प्लीज इस स्ट्रैटेजी को अपने चैनल पे जब तक मत डालना जब तक खुद को कॉन्फिडेंस ना। मैं इस पे कम से कम मोर देन एन नंबर ऑफ ट्रेड्स कर चुका हूँ, तो प्लीज आई होप ये चीज आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, आपके प्यारे भाई का DD4B यूट्यूब चैनल। ओके चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ओके, और डोंट वरी, मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ओपन कर लेना अकाउंट, अपना एंजॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हाँ अगर किसी को ट्रेड मेरे कॉपी करने हैं डेल्टा में तो अकाउंट होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ओपन करवा लेना।
थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो।